प्रो कबड्डी सीजन 9 के 57th मैच खेली जाने वाली है दबंग दिल्ली और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में। इस वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को, जानेंगे हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस अब तक प्रो कबड्डी में कैसा रहा, ये टीम कैसा परफॉर्म कर सकती है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। सो इन शॉर्ट पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को ड्रीम 11 के लिए टीम प्रेडिक्शंस की जरूरत होती है, तो टेंशन मत लो, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @targetrank1 भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको डेली मिलते रहेंगे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए हुए ड्रीम 11 के लिए टीम प्रेडिक्शंस। सो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दबंग दिल्ली के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। दबंग दिल्ली के सेंटर में हमें दिखने वाले हैं नवीन कुमार एक्सप्रेस और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होंगे मनजीत और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं आशु मलिक। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं रवि कुमार और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं अनिल कुमार। और आखिरकार दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं कृष्ण धूल और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं विजय कुमार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। जयपुर पिंक पैंथर्स के सेंटर में हमें दिखने वाले हैं स्टार रेडर अर्जुन देशवाल और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होंगे भवानी राजपूत और लेफ्ट इन पे होंगे वी अजित कुमार। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं सुनील कुमार और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं रेजा मिर्बागेरी। और फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होंगे नितिन चांदेल और लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे अंकुश। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें दबंग दिल्ली और जयपुर पिंक पैंथर्स अब तक 18 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें से 7 मैचेस दबंग दिल्ली ने जीते हैं और 9 मैचेस जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीते हैं और 2 मुकाबले टाई पे खत्म हुए थे। दबंग दिल्ली ने सीजन 9 की शुरुआत में जिस कदर टेक ऑफ किया था उसी स्पीड से रीसेंट कुछ मैचेस में दबंग दिल्ली की क्रैश लैंडिंग भी हमें दिखाई थी, यानी सीजन के शुरुआत में दबंग दिल्ली काफी बढ़िया फॉर्म में थी जहां पर वो एक के बाद एक मैचेस जीतते जा रहे थे, लेकिन फिर वो पल आया जब वो एक के बाद एक मैचेस सब हारते गए। दबंग दिल्ली अब तक 10 मैचेस खेल चुके हैं और उसमें से 5 मैचेस जीते और 5 मैचेस हारे हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि दबंग दिल्ली के डिफेंडर्स नहीं चल पा रहे। रेडिंग के मामले में नवीन कुमार काफी बढ़िया कर रहे हैं, अशु मलिक और मनजीत का भी काफी बढ़िया उन्हें साथ मिल रहा है, बस डिफेंडर्स उतने नहीं चल पा रहे। खैर डिफेंस के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, पहले अगर रेडर्स की बात करें तो मोस्ट रिलायबल रेडर दबंग दिल्ली के नवीन कुमार एक्सप्रेस ही है और साथ ही में आशु मलिक और मंजीत का भी काफी बढ़िया तरीके से उन्हें साथ मिल रहा है। अब तीनों ठहरे राइट रेडर और उनका मुकाबला होने वाला है जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ, और जयपुर पिंक पैंथर्स के सबसे खतरनाक डिफेंडर इस टीम के कवर पे शामिल है, यानी सुनील कुमार, जो कि एक राइट कवर डिफेंडर है। यानी इन तीनों रेडर्स के सामने कवर पर तैनात होंगे सुनील कुमार, और इन तीनों को रोकने की जिम्मेदारी भी बनकर आती है सुनील कुमार पे। साथ ही में लेफ्ट कॉर्नर अंकुश भी काफी बढ़िया खेल रहे हैं। जितनी देर तक ये दोनों इस टीम में मैट पर होंगे उतनी देर तक दबंग दिल्ली के रेडर्स को काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन चिंता की बात तब होगी जब ये दोनों मैट पर नहीं होंगे, तब रेडर्स काफी इजीली पॉइंट ले सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा देर तक मैट पर टिके रहना जरूरी है। वैसे जयपुर पिंक पैंथर्स के पिछले मैच में रेजा मिर्बागेरी का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था जहां पर उन्होंने 4 पॉइंट्स कमाए थे, वेरस जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर्स की बात करें तो अर्जुन देशवाल ऑफकोर्स बेस्ट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन लास्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ जो हमने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था, हमें उस बात का डर भी था और वो फाइनली चीज हो ही गई, यानी राहुल चौधरी का स्टार्टिंग सेवन में शामिल ना होना। लास्ट मैच में वो स्टार्टिंग सेवन में शामिल नहीं थे, उनकी जगह पे भवानी राजपूत आए थे और उन्होंने 2 पॉइंट्स कमाए थे। वी अजित कुमार भी है टीम में जिन्होंने 3 रेड पॉइंट्स कमाए थे, लेकिन मेन रेड पॉइंट्स कमाने का काम अगर कोई कर रहे हैं फिलहाल तो वो है जयपुर पिंक पैंथर्स के अर्जुन देशवाल। अब उन्हें रेडिंग के मामले में एटलीस्ट 1 रेडर का तो साथ मिलना चाहिए। भवानी राजपूत में काफी बढ़िया पोटेंशियल है और इनफैक्ट वी अजित कुमार में भी काफी बढ़िया पोटेंशियल है कि वो अर्जुन देशवाल का साथ दे सके। अब देखना यह है कि क्या इन रेडर्स का साथ अर्जुन देशवाल को मिल पाएगा या नहीं। अब इन रेडर्स का मुकाबला होने वाला है दबंग दिल्ली के डिफेंडर्स के साथ, और दबंग दिल्ली का डिफेंस जितना स्ट्रॉन्ग सीजन की शुरुआत में खेलता था उतना ही वीक परफॉर्मेंस वो हाल फिलहाल में दे रहा है। किसी भी डिफेंडर के नाम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही पॉइंट्स होते हैं। हालांकि लास्ट मैच में रवि कुमार ने 3 पॉइंट्स कमाए थे, लेकिन इतना काफी नहीं है। अब अगर इन स्ट्रॉन्ग रेडर्स को रोकना है तो दबंग दिल्ली के सभी डिफेंडर्स को पॉइंट्स कमाने होंगे या एटलीस्ट एकजुट होकर कॉम्बिनेशन के साथ टैकल करना होगा, एडवांस टैकल्स को अवॉइड करना होगा, वरना अर्जुन देशवाल मैट पर पूरी तरह आग लगा देंगे और जयपुर पिंक पैंथर्स इस मैच को दबंग दिल्ली के शिकंजे से छीन सकते हैं। प्रो कबड्डी सीजन 9 में दबंग दिल्ली अब तक 10 मैचेस खेल चुके
चुके हैं जिसमें से वो 5 मैचेस जीते हैं और 5 मैचेस हारे हैं, वेरस जयपुर पिंक पैंथर्स अब तक 9 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से वो 5 मैचेस जीते हैं और 4 मैचेस हारे हैं। तो अब तक इन दोनों टीम्स के बारे में जितना भी कुछ हमने देखा, जाना, परखा, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जीत होने वाली है जयपुर पिंक पैंथर्स की। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी। सो गाइज, ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आज के होने वाली मैच का। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 9 टीम एनालिसिस सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।